उस अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर इस वाले ट्रेंड के ऊपर मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिलियन व्यूज है और गाइस यहाँ पे 1 मिलियन व्यूज है, यहाँ पे 1 मिलियन व्यूज है गाइस, यहाँ पे 9 मिलियन व्यूज है गाइस। इस टाइप के ट्रेंड के ऊपर बहुत तेजी के साथ अभी के टाइम में व्यूज आ रहे हैं और गाइस आप वीडियो देख सकते हो यहाँ पे देखने में कितनी ज्यादा अमेजिंग लगती है। तो गाइस अगर आप भी अपने नाम की ऐसी फुल वायरल टॉप ट्रेंडिंग वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे तो गाइस काफी ज्यादा चांस है आपके वीडियो वायरल होने की गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो कितनी ज्यादा हार्ड देखने में लगती है। सो गाइस आप इस टाइप की वीडियो कैसे बना सकते हो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ गाइस। वीडियो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी सेट जरूर से कर दें, बाकी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले करना क्या गाइस, आपको भी फोटो बनानी पड़ेगी ठीक है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो गाइस पहले आपका इस नाम वाली फोटो बनानी पड़ेगी ठीक है, ऐसी वाली। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले करना क्या गाइस, आपका पिक्सल लैब ऐप की जरूरत पड़ेगी ठीक है। और गाइस पिक्सल लैब ऐप को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो गाइस आपका ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको पे इस पर 2 बार क्लिक करना है और देखो यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है ठीक है, जिस भी नाम से आप पे बनाना चाहते हो। और इस वाला ऑप्शन क्लिक करके आपका पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देना गाइस। अभी क्या करना है देखो, इसके जो आप फॉन्ट है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, अभी बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है देखने में। तो उसके लिए आपका पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है गाइस। यहाँ से आपको साइड में सेलेक्ट करके फॉन्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी फॉन्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, पर गाइस आपका पे इस वाले फॉन्ट को चूज करना है ठीक है, इस वाले को। फिर आपको ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। अभी गाइस देखो आपका इसको थोड़ा बड़ा करना है और आपका ऊपर साइड ला के रखना है गाइस। अभी क्या करना है देखो, आप यहाँ पे इस वाली वीडियो में देख सकते हो गाइस, यहाँ पे नाम के आसपास क्राउन लग रहे हैं, तो गाइस आपको ऐसे वाले क्राउन ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो इसके लिए क्या करना है गाइस, आपका पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से आपको इस पर दोबारा ऐसे करके क्लिक करना है ठीक है, और आपका पे इसे कट कर देना है गाइज। आपका पे अपने इमोजी में जाना है, यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगे, बस आपको पे ऐसे जा के सर्च कर लेना है ठीक है, कहीं पे भी मिल सकती है। अभी गाइज मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो गाइज आप क्लिक करेंगे ऐसे ओके वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और गाइज आपका पे इसको ऐसे घुमाना है और आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है गाइज। आपका पे अच्छी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक है, सो मैं आपका पे करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे इसे थोड़ा पीछे की साइड ले जाएंगे गाइज, आपका पे इसे कॉपी कर लेना है ठीक है, कॉपी करके आपका पे इधर साइड लगा देना है। सो आप यहाँ पे देखते हो गाइस, आपका इतना काम कंप्लीट हो चुका है। पर गाइस हमें क्या करना है अभी गाइस, आपका भी फोटो पे जाना है ठीक है, और आपका भी फोटो को देखना है अभी हमें क्या ऐड करना है। सो यहाँ पे जाएंगे और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो आपको पे नीचे कुछ इस टाइप का लिखना पड़ेगा, नाम ही काफी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे इस टाइप की बनाने वाला हूँ तो गाइस मैं यहाँ पे यही लिखूंगा। सो ऐसे टेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, और यहाँ पे आपको लिख लेना है नाम ही काफी है गाइस। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। फिर आपको ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है गाइस, आपका भी इसकी फॉन्ट चेंज करनी पड़ेगी ठीक है। तो आपको साइड में स्लाइड करना है, फॉन्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है गाइस, इस बार आपका पे ये वाली फॉन्ट चूज करनी है, फिर आपका पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अभी गाइस ये भी आपका पे अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है, तो आप थोड़ा बड़ा करेंगे और गाइस आप नीचे की साइड ला के रखेंगे। अभी गाइस क्या करना है देखो, आपका पे अपनी फोटो को फिर से जाके देखना है गाइस, यहाँ पे आपको ऐसे तलवार लगानी पड़ेंगे ठीक है। तो क्या करना है देखो, फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से आपको टेक्स्ट पे 2 बार ऐसे करके क्लिक करना है, इसे कट करना है, इमोजी वाला ऑप्शन क्लिक करना है गाइस। आपका पे इमोजी में सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा ऐसे जाके। सो मुझे मिल चुका है, क्लिक करेंगे ओके वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे और गाइस इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ठीक है, ऐसे घुमाएंगे पहले, यहाँ पे बड़ा करेंगे और आपका पे बीच में ला के रख देना है। सो यहाँ पे थोड़ा छोटा करेंगे और गैस आपको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है ठीक है, बिल्कुल ऐसे ला के रखना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गैस, अभी क्या करना है आपका पे इसका एक और कॉपी करना पड़ेगा, पर उससे पहले आपको पे अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है, कॉपी करना है गैस, आपको भी इधर साइड ला के रख देना है ठीक है इस बार। सो आप यहाँ पे देख दो गैस, आप कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा फोटो तैयार हो चुका है। पर गैस अभी क्या करना है आपको भी फिर से जाके देखना है कि गैस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाले इमोजी ऐड है ठीक है, और गैस आपका पे नीचे यूजर नेम भी लिखना पड़ेगा अपने नाम का। फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, इस पर 2 बार टैप करना है गाइस, आपका पे इसको कट कर देना है। कट करने के बाद इमोजी वाले ऑप्शन में जाना है गाइस, यहाँ से आप इमोजी ऐड कर सकते हो ठीक है, बहुत ही आसानी से। फिर आपका पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आपका पे इसको थोड़ा सा नीचे की साइड लेके आना है, बड़ा करना है और आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो। सो गाइस फिलहाल मैं यहाँ पे इसे इतना कर लेता हूँ ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी गाइस आपका पे फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, इस पर 2 बार टैप करना है गाइस, आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम लिख सकते हो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर आपको ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस इससे आप यहाँ पे ऐसे नीचे की साइड ला के रख सकते हो ठीक है, आपको पे छोटा ही रखना है। अभी गाइस आप इतना काम कंप्लीट हो चुका है, पर गाइस अभी क्या करना है
गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको इस पे क्लिक करना है, साइड में स्लाइड करना है, इस बार आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन क्लिक करना है, गाइज यहाँ से आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करेगा आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, फिर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और गाइज अभी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है गाइज, पहले क्या करना है आपको यहाँ पे इसको ऐसे ला के रखना है, और इस पे कुछ ऐसे ला के रखेंगे, आप यहाँ पे कलर देख सकते हो गाइस, पहले आपको पे ग्रीन ऐड करना है, फिर आपको पे पिंक ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है गाइस आपका पे इस पे आना है, और आपका पे इस पे ऐसे करके क्लिक करना है, फिर आपका पे कलर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस यहाँ से आपको पिंक कलर चूज करना है, ठीक है, ऐसे करके, तो मैं आपको पे करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे की साइड लिखाएंगे, फिर आपका पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है, अभी गाइस आपका पे इस वाले ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, इस बार आपका इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से आपका पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, पर गाइस इस बार आपको पे ग्रीन कलर चूज करना है, ठीक है, ऐसे करके स्वाइप हो चुका है, फिर आपका पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और ऐसे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, सो आप यहाँ पे देख दो गाइस कलर ऐड हो चुका है, ठीक है, अभी गाइस देखो आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट है गाइस सारे आपको ब्लैक कलर के करने पड़ेंगे, तो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाके ब्लैक कलर चूज करना है, ठीक है, ऐसे करके स्वाइप हो चुका है, फिर आपको रेड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर चूज करेंगे, रेड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर चूज करेंगे, फिर आप राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, इतना काम करने के बाद अभी आपका पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपका पे इसे सेव कर लेना है, ठीक है, अपनी गैलरी के अंदर, गाइस अभी क्या करना है इससे आपको अपनी वीडियो बनानी है, तो कैसे बनानी है बताने वाला बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी गाइस इसके लिए आपका पे नोजी जैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस वाले की, गाइस आप इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऐप है, ओपन करने के बाद आपका पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पे आपको टाइप करना है अनरोल, ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, गाइस आपको अभी इतना लिख के टाइप कर देना है, फिर आपको फिर सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आपके सामने पे ऑटोमेटिक ये वाला टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एला वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से एला वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट मेकिंग वाला ऑप्शन क्लिक करना है, पर गाइस यहाँ पे आपको वाटरमार्क देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये आपको पे कैसे हटाना है, ठीक है, वो भी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना अभी, पर उससे पहले आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, गाइस आपका सब ना फोटो चूज कर लेना है, ठीक है, जो कि हमने ऐसे अभी के भी बनाया था, गाइस आपका ऊपर साइड ला के रखना है, और आपको इसे बड़ा करना है, फिर आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, सो यहाँ पे वीडियो तो बन के रेडी हो चुके हैं, फिर आपका पे मेक वाले ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपका पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव भी हो जाएगी, सो यहाँ पे वीडियो सेव हो चुके हैं, तो मैं आपको भी जाके दिखाता हूँ, आप वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चला के देखेंगे, पर गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वाटरमार्क आ चुका है हमारी वीडियो के अंदर, वाटरमार्क कैसे हटाना है चलो बताता हूँ, तो गाइस इसके लिए आपको VN ऐप की जरूरत पड़ेगी, और आप इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऐप है, ठीक है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, अपनी वीडियो को चूज करना है, चूज करने के बाद आपका पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक करना है जो दिख रहा है, तो आप वीडियो आ चुके हो गाइस, आपका पे ओरिजिनल वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ऐसा आपको 9:60 वाले फ्रेम पे क्लिक करना है, गाइस बस आपको क्या करना है आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को थोड़ा सा ऐसे करके जूम करना है, ठीक है, ऐसे क्लिक करना है, फिर आपको ऐसे करके जूम कर लेना है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से वाटरमार्क रिमूव हो चुका है, और आप ऐसे अपनी वीडियो को भी चला के देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं, गाइस आप साउंड भी ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाकर, ठीक है, आप ट्रेंडिंग वाले साउंड पे अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हो, देन आपको लास्ट में जाना है, ऐसा आपको वाटरमार्क पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको डिलीट कर देना, फिर आपको वाला ऑप्शन क्लिक करना, और आपका एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आप ऑटोमेटिक वाली वीडियो आपके लिए सेव हो जाएगी, अभी क्या करना है जिससे हमारी वीडियो वायरल होगी, गाइस आपको ट्रेंडिंग वाला इफेक्ट ऐड करना है, हीलिंग वाला, ठीक है, कैसे करना है बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना अभी, तो आप वीडियो सेव हो चुके हैं, सेव होने के बाद आपको इसे बिल्कुल बैक करना है, गाइस आपको पे सुपर VPN की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस वाले की आप इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही आसान है, यहाँ से कनेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और आपका पे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, पे कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट होने के बाद आपका पे कैपकट ऐप की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और कैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, लिंक आपको नीचे इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, आप इसे वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अभी कैसे आपका सामने फोन क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट anupsagar.com, आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो, ठीक है, गाइस आपको पे हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट लास्ट में आपको anupsagar.com जरूर से लगा देना है, ठीक है, फिर आपको सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको पे नीचे की साइड जाना है, गाइज यहाँ से आपको यूज वर्ल्ड टेम्पलेट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, फिर आपको यूज टेम्पलेट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और गाइज आपको अपने वीडियो को चूज कर लेना है, ठीक है, VN वाली वीडियो को चूज कर लेना है, करने के बाद आपको पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक इफेक्ट ऐड हो जाएंगे, इफेक्ट ऐड हो चुका है, फिर आपको पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन क्लिक करना है,
और गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाली वीडियो आप गैलरी में सेव हो जाएगी। बस आपको इस पर क्लिक करना है और आपका पे फुल HD में करना है, फिर आपको डन वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइज आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके इसमें ट्रेंडिंग वाला ऑडियो ऐड कर सकते हो और आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और गाइज ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोज़ के लिए इस वाले चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से कर देना। वीडियो कैसा लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताना।